होते बोलने वाले इनसे? हाँ मेरे से ये सबसे ज्यादा। अच्छा जब आप वहाँ पर गए थे जाते हुए उनका आपका जो कुछ पैसा उनके पास में पड़ा था तो नहीं, कुछ नहीं दिया उन्होंने, बस चैंबर की तरफ से 1,00,000 रुपए दिए थे और वो भी ना उसमें वो दिए थे क्या कहते हैं वो संस्कार के लिए दिए थे 10,000 वो भी मांग रहे थे और वो गंगा जी जाने के लिए दिए थे 10,000 वो भी मांग रहे थे, उसमें से 20,000 काट रहे थे वो लोग। वो तो मम्मी ने बोला कुछ तो उन्होंने मना कर दिया। कौन बोल कौन काट रहे थे? जी प्रेमिका का मुझे। अच्छा फिर दूसरी तरफ वही जो क्रिएटिव हाउस के विजय मोदी जी उन्होंने बयान जारी किया है कि जो जगदीश कुशवाहा जिसकी मृत्यु के उपरांत सदस्यों ने कुछ 2.5 लाख रुपये खर्च किया था वो आपने अपने पास रख रखा है, वो उसको परिवार को दिया नहीं है अभी तक, ऐसा कहना है उनका? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो ऊंची मानसिकता है क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब जगदीश कुशवाहा का निधन हुआ था तो प्रवीण अग्रवाल अंत्येष्टि में उसकी था और वो अल्ताप रजा को रिसीव कर रहे हैं क्योंकि प्रवीण अग्रवाल के हृदय में मानवता धड़कती है। कैसे का मैं बता रहा हूँ कुछ बात सुनिए, प्रवीण अग्रवाल के हृदय में मानवता धड़कती है। जगदीश कुशवाहा को उसकी ग्रेचुटी का पैसा 1,00,000 रुपये अतिरिक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स से दिया गया, उसके बाद मानवता को ऊपर रखकर हमने सोचा कि उसकी 2 बेटियां हैं। अच्छा आपके कार्यकाल में जगदीश कुशवाहा जी की मृत्यु हुई थी वो भी चैम्बर में, उनको 1,00,000 रुपये आर्थिक सहायता दे दी गई थी लेकिन कुछ पैसा कलेक्शन हुआ था 1,00,000 कुछ उससे ऊपर, वो प्रवीण समझो मानसिक सचिव थे उनके द्वारा आज तक उन परिवार को दिया नहीं गया। मैं सुबह उनके यहाँ से मिल के आया हूँ, वो परिवार बहुत ही दुख और परेशानी से जूझ रहा है, तो इसमें आपके रहते हुए पैसा आज तक क्यों नहीं गया? 9 महीने उसकी मृत्यु को हो चुके हैं। 26 मई 2022 को ये दुखद घटना घटी थी जब हमारे सबसे ज़्यादा समर्पित कर्मचारी जगदीश कुशवाहा जी की अचानक मृत्यु हो गई। चैम्बर की तरफ से ग्रेचुटी का फंड और 1,00,000 रुपये सहायता राशि उन्हें चेक के माध्यम से परिवार को दे दी गई थी। उसके पश्चात जब राशि कम लगी तो हमने चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्यों पदाधिकारियों ने और चैम्बर के स्टाफ ने मिलकर एक राशि धनराशि इकट्ठी की और वो राशि भी तात्कालिक सहायता के रूप में उन तक पहुँचनी थी। पैसा इकट्ठा करके उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने मानसिवी सचिव को ऑफिस बेरस की बैठक में दी थी और मेरी दृष्टि में वो पैसा उन तक पहुंचाना चाहिए था।